हाँ जी, गुड मॉर्निंग। तो कुछ एक टॉपिक्स थे जो रह चुके थे, तो दो एक टॉपिक्स थे, तो उन दोनों को हम कवर करेंगे, कोशिश करेंगे इस वीडियो में, क्योंकि काफ़ी टाइम हो गया, क्योंकि मेरे कुछ पर्सनल काम की वजह से मैं थोड़ी सी हम वीडियो भी नहीं बना पा रहे थे। बाकी हम व्हाट्सएप पे या ग्रुप पे या नंबर पे जो है वहाँ पे तो हम चलो 24 घंटे अवेलेबल है ही, तो वहाँ भी हम अपडेट करते रहते हैं टाइम टू टाइम कोई अगर हमारी अपडेट हो तो। फिलहाल क्वेरी भी वहाँ पर ले ही रहे। बाकी अभी जो एक मेन टॉपिक था उस पर बात करते हैं, ठीक है। अभी हम दोनों को कवर करते हैं, एक साइज़ और दूसरा आपका कलर, दोनों चीज़ इसमें कवर करेंगे, क्योंकि अब साइज़ और कलर पे फोकस आपका उसी पे होना चाहिए। क्योंकि लोअर एलिवेशन मिडिल एलिवेशन देखिए अब क्या है, हमारा जो साइज़ का है आपको पता है कि वन मंथ लेके आपने चलना है, कि वन मंथ में हमारा साइज़ डेवलपमेंट 20 या 25 दिन आप मान के चलो, उसके बाद जो होता है वो आपको पता ही है कि फिर हमारा हार्वेस्टिंग वन मंथ के बाद स्टार्ट होने वाला है, ठीक है। तो वन मंथ अभी पूरा है, वन मंथ में आपका एक तो साइज़ दूसरा कलर, दोनों चीज़ें पे फोकस रखना है, ठीक है। बहुत ज़रूरी है आपका साइज़ डेवलप हो अगर आपने क्वालिटी फ्रूट लेना है, ठीक है। दूसरा आपका बहुत ज़रूरी है अगर आपने अच्छे प्राइस लेने हैं आपके पास कलर, ठीक है। अब कलर डेवलप कैसे होना है, ठीक है। तो बहुत सी वैरायटी होती है जिसमें कलर आना आपको पता है कि इशू रहता है, ठीक है। किसी ने कोई पुरानी वैरायटी पे काम कर रहे हो, ऐसी वैरायटी एलिवेशन के हिसाब से सही ना हो, तो वहाँ भी आपको काम वर्कआउट करना पड़ेगा ताकि वहाँ भी अच्छा कलर आपका बने। बाकी होता है वैराइटीज़ पे, अगर आपके पास कोई ऐसी रेड डिलीशियस वैरायटी कोई भी है, ठीक है, अर्ली रेड डिलीशियस वैरायटी है, लाइक कोई भी स्पर वैरायटी आपके पास, कलर टू हो गया, जेरोमाइन हो गया, एडम हो गया, इस तरह के कैंगरॉट हो गया, तो जिसमें तो कलर दिक्कत नहीं है, वहाँ तो फोकस क्या करना है आपने साइज़ पे, ठीक है। वहाँ आप साइज़ पे फोकस करना है। और ऐसी वैराइटीज़ पे आप क्या होता है, नाइट्रोजन भी आप आजकल थोड़ा थोड़ा उसमें ऐड करके दे सकते हो पोटाश के साथ, क्योंकि वहाँ पे आपको कलर का इश्यू नहीं आने वाला है, ठीक है। लेकिन अभी हमें अब बात करते हैं कि हमने मैनेजमेंट क्या करना है। देखिए, कलर और साइज़ के लिए मैं अपना पुराना एक्सपीरियंस आपको बताऊँगा, ठीक है। आज तक का हमारा जो एक्सपीरियंस है ओल्ड, मैं अपना पुराना 7-8 साल से क्या प्रैक्टिसेस हैं, या 5-6 साल से हमने कौन सी नई प्रैक्टिसेस और स्टार्ट करी है, ठीक है, हम क्या कर सकते हैं, क्या और पॉसिबिलिटी है, तो वो सारी हम डिस्कस करेंगे। क्योंकि देखिए, पहली चीज़ बात करते हैं कलर और साइज़ के लिए। सबसे पहले आपको पता है कि सॉइल में मॉइस्चर, ठीक है। अगर मैं आपको अपनी सॉइल दिखाऊँ यहाँ पर, तो आपको पता है आजकल ड्राउट कंडीशन फिर से स्टार्ट हो गई है, तो सॉइल में आप मॉइस्चर आप दे सकते हो, बहुत अच्छा मॉइस्चर बना हुआ है, ठीक है। तौलिया बाहर का तौलिया भी नहीं होता है, बंद है तौलिया। तो पहली चीज़ आ गया मॉइस्चर, ठीक है। फिर जो सेकंड चीज़ आनी है, सेकंड चीज़ आपके पास क्या आनी है, वो आना है धूप, मतलब पानी और धूप, ठीक है, वाटर एंड सनलाइट। धूप कोई भी ब्रांच है, मान लो ये मेरे पास ब्रांच है, तो छोटा कर लेता हूँ। अब ये मेरे पास ब्रांच है, तो इस ब्रांच में आपको पता है कि अंदर तक मेरी धूप जा रही है, खुला एरिया है, ठीक है। वो वाला एरिया देखिए बाहर, वहाँ भी आपका सनलाइट पहुँच रहा है, ठीक है। अब ये ब्रांच देखिए, ये देखिए अंदर तक धूप जा रही है, ठीक है। और दूसरा क्या होता है कि कुछ एक ऐसी ब्रांचेस जो आपको धूप को रोक रही है, हमने पीछे समय क्लिक करे थे, ठीक है, उसका मेन पर्पज़ क्या था कि हमने धूप को जो है वो क्या है अंदर तक पहुंचाना। अब ये देखिए ब्रांचेस देखिए, सारी धूप अंदर तक जा रही है, और जहां धूप जाती है साइज़ भी आप देख सकते हो, वहां पे साइज़ वहां पे स्मॉल एक्स्ट्रा स्मॉल पहुंच चुका है, ठीक है। तो स्मॉल एक्स्ट्रा स्मॉल साइज़ पहुँचता है, ये देखिए अंदर तक धूप जा रही है, ठीक है। और दूसरा क्या है, वो ब्रांचेज जहाँ धूप ब्लॉक हो रही है उनको समय क्लिक से आप निकालना है, आप आजकल भी निकाल सकते हो, ठीक है। लेकिन सिर्फ आपने ध्यान क्या रखना है कि जहाँ पे आपका सन आपको आजकल डायरेक्टली आपके सन लाइट आपकी पड़ती है, ठीक है, लाइक जैसे मान लो 11 से 3 बजे तक की जो धूप होती है, तो वो आपको सनबर्न की दिक्कत कर सकती है। तो इसलिए आपने उस साइड को समय क्लिक नहीं करने, लेकिन उस साइड जहां आपके पास कुछ भी नहीं है, ठीक है, जहां पे आपके पास ऑप्शंस है, ठीक है, इस बैक साइड में से मेरे पास ऑप्शन है कि मान लो यहाँ मेरे कोई सनलाइट कवर करा, तो मैं जैसे ये शूट है, ये वाली शूट है, मैं इनको निकाल दूंगा, ठीक है, ताकि मेरी सनलाइट को ब्लॉक ना हो, क्योंकि सुबह की धूप मॉर्निंग की धूप कोई नुकसान मेरा करने वाली है नहीं। ये देखिए मैंने ये ब्रांच मैंने यहाँ से निकाल दी, ठीक है। तो इस तरह से आपने समय क्लिक भी साथ के साथ करते रहना है, पीयर में भी करते रहना है, उसके भी मैं आपको रिजल्ट्स दिखाऊंगा, ठीक है। तो ये तो हुआ कि पहला आपका पानी नीचे मॉइस्चर होना बहुत जरूरी है कलर के लिए, साइज़ के लिए, ठीक है। दूसरी चीज़ आपके पास है सनलाइट प्रॉपर पहुँचे, तो दो चीज़ तो यही होगी। पहली बात, क्योंकि मैक्सिमम क्वेश्चन था कि हम कौन सी स्प्रे करें, किसे कलर साइज़, ठीक है, पहली बात ऐसी कोई भी स्प्रे नहीं होती है जिससे आपका साइज डेवलपमेंट होगा, जिसने आपका कलर लाना है, ठीक है, वो हमारे पास क्या है, सिर्फ एक एक्स्ट्रा आप कह सकते हो कि हेल्प के लिए, ठीक है, जहाँ से हमें थोड़ी बहुत हेल्प मिल सकती है कलर लाने के लिए, साइज लाने के लिए, तब हम उन चीज़ों को करते हैं। तो आप लोग जो
बूस्टर्स वगैरह कर रहे हैं आजकल, ठीक है, मैं उनको यही कहता हूँ वो वेस्टेज ऑफ मनी है, कि कोई भी बूस्टर आपका कोई साइज में ज़्यादा हेल्प करने वाला है नहीं, ठीक है। थोड़ी बहुत शायद ऑपोजिट कंडीशन में करता हूँ, थोड़ा बहुत तो मैं भी बोल सकता हूँ, लेकिन अगर आप न्यूट्रिशन के प्रॉपर है, ठीक है, अगर आपने फूड को न्यूट्रिशन प्रॉपर दिया तो आप साइज़ आप दे सकते हो। कुछ यहाँ पे देखिए एक्स्ट्रा स्मॉल साइज निकलने वाला है, तो कुछ स्मॉल भी पहुँच चुका है, तो 5000 हाइट पे मैं भी हूँ तो स्मॉल भी पहुँच चुका है, वो कई जगह शायद मीडियम भी होगा ऊपर, तो क्योंकि ऊपर का साइज़ आपको पता ही है कि ऊपर का साइज़ जल्दी अच्छा बनता है, तो ये चीज़ हमें थोड़ा सा ध्यान रखनी है। बाकी साइज़ के लिए फालतू की स्प्रे मत करो, ठीक है। साइज़ आप यहाँ भी देख सकते हो काफ़ी अच्छा बन गया, एक्स्ट्रा स्मॉल हो गया है, ठीक है, स्मॉल के आसपास है साइज़, ये देखिए आप, तो साइज़ डेवलपमेंट अच्छा हो रहा है। बाकी आपने ध्यान बस इतना रखना है कि समर क्लिक आपने वहाँ करनी है जहाँ आपको ज़रूरत है, अदरवाइज आपने समर क्लिक जहाँ पर सनलाइट आपको दिक्कत आ रही है, डायरेक्ट सनलाइट हिट करती है, वहाँ पे आपने कोई भी समर क्लिक नहीं करना, वहाँ आपने स्किप कर लेना है, ठीक है। तो साइज़ के लिए दो चीज़ ही होगी, कलर और साइज़ दोनों में ही रोल प्ले करेगा, ठीक है, क्योंकि जहाँ धूप जाएगी आपने वहाँ देखना, वहाँ कलर हमेशा बहुत अच्छा कलर आपका आएगा, ठीक है, वहाँ कलर की दिक्कत नहीं रहती है। अगर आपकी सनलाइट प्रॉपर नहीं पहुँच रही है तो फिर कलर की दिक्कत आएगी, बल्कि मैं आपको ऊपर भी दिखाऊंगा कई प्लांट्स में, तो जहाँ पर प्रॉपर धूप जा रही है वहाँ पे आपका कलर आना स्टार्ट हो गया, दूसरा आपका साइज डेवलपमेंट वहाँ बहुत अच्छा बन रहा है, ठीक है। तो आपके स्मॉल भी पहुँच गया है, ऐसा स्मॉल भी पहुँच गया है, तो फ्रूट बनता है, ठीक है, कलर आना स्टार्ट हो जाएगा, हो चुका है 5000 हाइट पे, ये बल्कि सुपर छः वेराइटी है, ठीक है। तो आपने बस ध्यान इतना रखना है कि हमारी एक तो सनलाइट प्रॉपर जा रही है, ठीक है, दूसरा ध्यान क्या रखना है, दूसरा ध्यान रखना है आपने सबसे जरूरी है उसका मॉइस्चर, दो चीज़ होगी, इनको छोड़ो, और साइज़ और कलर में जो साइज़ में जो आपका और आपका सबसे बड़ा हेल्पफुल होता है वो होती है आपकी थिनिंग। अब जहाँ थिनिंग करी होगी डेफिनेटली सी बात है वहाँ आपका साइज़ भी अच्छा होगा, जहाँ थिनिंग नहीं करी होगी वहाँ थोड़ा साइज़ में दिक्कत भी आपकी होगी, ठीक है, तो वो चीज़ भी आपने माइंड में सेट रखनी है। अब किसने कोई थिनिंग नहीं करी है, चार चार पाँच पाँच फुट एक जगह है, और फिर आप बोलो कि मेरे पास साइज़ के लिए स्प्रे बताओ, तो ऐसा पॉसिबिलिटी नहीं है, ऐसी कोई भी स्प्रे नहीं है जो आपका वो काम वहाँ करेगी, ठीक है। बाकी होता है न्यूट्रिशन, न्यूट्रिशन प्रॉपर होगा, अब मैं आपको यहाँ भी दिखाऊंगा, मेरे पास यहाँ पर दो तीन तीन फ्रूट है लेकिन सबका साइज़ आप देखो एक्स्ट्रा स्मॉल पहुँच चुका है, ठीक है, तो न्यूट्रिशन भी बहुत रोल प्ले करता है। अब बात करते हैं कि हमें देना क्या है, ये चीज़ जो होगी, ठीक है, अभी हमने कुछ करा है या नहीं करा है, या आपने कुछ दिया है फ्रूट को, नहीं दिया है प्लांट को, ये चीज़ें होगी अब, ठीक है, दिया है नहीं दिया है वो अलग बात है, वो अलग इशू जो हो गया, थिनिंग प्रॉपर कर पाए नहीं कर पाए, ऑफ ईयर है ऑन ईयर है, वो दोनों अलग इशू हो गए, ठीक है। अब हमने बात जो करनी है वो करनी है, हमने सीधी बात करनी है कि हम अब दे क्या सकते हैं, ठीक है, कि फ्रूट को हमने देना क्या है, हमारे पास ऑप्शन क्या है, क्या रेमेडीज है। पहली चीज़ कैल्शियम, ठीक है, आप एज़ पर शेड्यूल जो हम भी अपलोड करते हैं, ठीक है, हम 36 स्प्रे हम करने की तैयारी कर रहे हैं आज, ठीक है, 5 स्प्रे हमारी ऑलरेडी डन है, बल्कि हम थोड़ा खुद भी ड्राउट कंडीशन और दूसरा जो आपको पता है पीछे क्लाइमेट जो फ्लक्चुएशन था उसकी वजह से हम भी थोड़े डिले हो गए थे, नहीं कर पाए थे, तो अब पॉसिबिलिटी है, अब हम करेंगे, ठीक है। अब आपने क्या करना है, अब वो बात आती है कि करे तो करे क्या, ठीक है। पहली चीज़ तो कैल्शियम, मैंने शुरू से ही बताया जो मेरे साथ जो कनेक्टेड भी है या जो ग्रुप में है नहीं है या जो मेरे साथ उस पर व्हाट्सएप पे भी जो हमारे रजिस्टर नंबर पे कनेक्ट है उनको मैं टाइम टू टाइम वहाँ भी अपडेट कर रहा था जो वहाँ जिनके भी क्वेश्चन थे। तो कैल्शियम आपने कंटिन्यू रखना है, पहली चीज़ तो ये ध्यान रखो, ठीक है, कैल्शियम को आप बिल्कुल कंटिन्यू रखो, ठीक है जी, कैल्शियम को आपने कंटिन्यू 5-6 स्प्रे भी हो जानी चाहिए इसके बाद, ताकि आपकी कम से कम आप ज़्यादा नहीं पहुँचो, कम से कम 10-12 स्प्रे तक तो पहुँचो, फिर उसके रिजल्ट देखो आप, ठीक है। कैल्शियम आपका साइज में हेल्प करेगा, पहली चीज़। नंबर टू आती है आपके पास एज पर पीयर और दूसरा आपका जो होता है वो गया सेम में, और नंबर टू सेकेंड थिंग क्या आती है, सेकेंड थिंग हमारे पास आती है इसके बाद क्या आता है कैल्शियम के पास सबसे पहले यूरिया NPK, ठीक है, उसमें आपने क्या करना है, नाइट्रोजन देखो फर्स्ट डोज में आप नाइट्रोजन दे सकते हो, नो इशू, ठीक है, जिनके हाई कलर स्ट्रेन वैरायटी है वो नाइट्रोजन भी एक दो डोज दे सकते हो उसमें थोड़ा थोड़ा करके, कोई इशू नहीं है, ठीक है। पहले आ गई NPK जो मैंने 250 ग्राम सबको स्टार्टिंग को कहा था, ठीक है, उसमें क्या नाइट्रोजन का सुपर मतलब मेन रोल है सुपर पोटाश और मैग्नीशियम, कलर में मेन रोल है, मैग्नीशियम बहुत रोल प्ले करता है कलर में, अगर मैग्नीशियम की डेफिशिएंसी हो जाएगी आपके उस फ्रूट में कलर आएगा ही नहीं, तो वो आपने लीव अपनी चेक करनी है। और दूसरा क्या है कि जब तक आपकी लीव्स हेल्दी है तब तक आपका साइज़ भी अच्छा बनेगा वहाँ पे, ठीक है, जहाँ पर लीव्स हेल्दी नहीं है वहाँ आपको साइज़ में इशू आना ही आना है, ये भी आपने थोड़ा माइंड में सेट रखना है कि जहाँ पर हमारा साइज़ नहीं डेवलप बनेगा वहाँ पर आपके लीव्स में प्रॉब्लम होगी, तो मैग्नीशियम की डेफिशिएंसी हो जाएगी तो आपको कलर में भी दिक्कत आएगी, तो आपने फोकस करना है पोटाश पे, फोकस करना है आपने सुपर पे, फोकस करना है आपने मैग्नीशियम पे। आप मैग्नीशियम का क्या कर सकते हो कि अलग से अगर आपने नहीं ऐड करा है कहीं माइक्रो न्यूट्रिएंट्स आपने अगर ऐड नहीं करे, आप अलग से क्या कर सकते हो, एक उसका बोल सकते हो या तो माइक्रो न्यूट्रिएंट ऐड कर लो, ठीक है, बीच बीच में, अगर नहीं कर सकते हो
तो मैग्नीशियम का एक आपको अलग से सिंगल से आपको मैग्नीशियम मिल जाता है, आप वो एक पैकेट ले लो, उसको थोड़ा थोड़ा करके आप उसमें डाल सकते हो, ठीक है। तो आप मैग्नीशियम भी आप दे सकते हो, तो ये तो जरूरी काम हो गया, मैग्नीशियम भी बहुत जरूरी है, ठीक। तो ये चीज़ें हमें थोड़ा सा माइंड में सेट रखनी है कि हमें कौन कौन सी जरूरी चीज़ें हैं, कौन सी जरूरी चीज़ें हैं, कौन सी हमने करनी है, ठीक है जी। फिर बात आती है सुपर की। सुपर वाले प्रोडक्ट मैंने बताया है कि पोटाश के साथ उसको चलने दो, चाहे आप एंड लास्ट सुपर तक तीनों स्टेज में चलने दो, ठीक है। जिनके कलर का बहुत इश्यू है उनको नाइट्रोजन बिल्कुल स्किप करनी है आप। उसके बाद सिंपल पहली में आपने कर ली, उसके बाद आपने क्या करना है, दो डोज में या आप खाली पोटाश करो, या आपका सुपर है विद सुपर पोटाश है तो बहुत अच्छा साइज में बहुत हेल्प करेगा, ठीक है। तो सुपर भी आपका साइज में हेल्प कर रहा है। बाकी कलर स्टेन की बात आती है, कलर के लिए पहली चीज़ है धूप पहुँचाना। अगर धूप में धूप जा रही है तो कलर अच्छा आएगा ही आएगा, ठीक है। अगर आप धूप ही नहीं पहुँचा पा रहे हो, ठीक है, तो फिर थोड़ा बहुत इशू कलर में आपका आना ही आना है, तो वो भी आपने थोड़ा सा माइंड में सेट रखना है, ठीक है जी। बाकी कलर में आपका मैग्नीशियम हेल्प करेगा, पोटाश हेल्प करेगा। पोटाश की आप दो तीन थोड़ा थोड़ा डोज करके हम क्यों देते हैं, ताकि थोड़ा थोड़ा करके जो है वो प्लांट को लगे, ठीक है। क्योंकि कंडीशन क्या है, ड्राउट कंडीशन में क्या है, जितना आप थोड़ा थोड़ा करके दोगे उतना ज़्यादा आपके हेल्पफुल होगा, ठीक है। तो जितना आप क्या करोगे, स्पिल डोज में दोगे, थोड़ा थोड़ा करके दोगे, उतना ज़्यादा आपका जो होता है वो इस ड्राउट कंडीशन में आपके क्या होगा, वो हेल्पफुल ही होगा। तो क्या करना है, पोटाश भी कैल्शियम भी, ये सारी चीज़ें हमें क्या देनी है, थोड़े थोड़े करके देनी है प्लांट को, ताकि क्या है डायरेक्टली प्लांट क्या है वो इजीली उसको अपटेक कर सके, ठीक है जी। तो ये चीज़ हमें थोड़ा ध्यान रखनी है। तो एनपीके की आपने तीन डोज बना के दे देना है, उसी तरह से आपने कैल्शियम की जो डोजेज है वो आपने थोड़ा थोड़ा करके बढ़ाते बढ़ाते आपने फिर वापस भी आना है, याद रखना है। अगर आपने 100 से स्टार्ट किया है तो आप प्री हार्वेस्ट जो होता है वो क्या है, वापस भी आपने कहाँ पहुँचना है, 100 पे वापस आना ही आना है आपने। तो ये चीज़ें थोड़ी सी हमने माइंड में सेट रखनी है। बाकी एनपीके मैंने बता दिया, बाकी आपका कैल्शियम वगैरह जो होता है ना उसको आप वीकली आप दे सकते हो, थोड़ा थोड़ा करके कैल्शियम आप वीकली जो होता है वो प्लांट को दे सकते हो, ठीक है। 8-10 दिन में या वीकली आप उसको प्रोवाइड कर सकते हो। साइज़ हर जगह अच्छा बन रहा है, हाई कलर स्टेन वैरायटी में भी बन ही रहा है, तो आप जो है वो पोटाश वगैरह आप थोड़ा थोड़ा करके कैल्शियम वगैरह थोड़ा थोड़ा करके देते रहिए, ठीक है। दूसरा आपका मैग्नीशियम है तो उसको आप थोड़ा थोड़ा करके हमें दे देना है, आपका साइज़ में वो हेल्प करेगा, ठीक है। और साइज़ आप देखते हो अच्छा बन रहा है, ऐसा नहीं है कि साइज़ में कोई कमी है, साइज़ अच्छा बन रहा है, ठीक है। हर साल के मुकाबले साइज़ की वही सिचुएशन है, ऐसा नहीं है कि इस बार कुछ एक्स्ट्रा बन रहा है या कम बन रहा है। थोड़ा इश्यू इस बार आया है क्योंकि वो इसलिए आया था, डिले है साइज़, उसका रीज़न है जो आपका पता है कि पीछे डाउट कंडीशन कितनी ज़्यादा थी, ठीक है। तो वो उसके कारण तो थोड़ा सा हुआ है डिले, उसमें तो कोई दो राय नहीं है। बाकी आप इरीगेशन करिए, ठीक है, प्रॉपर थोड़ा थोड़ा आप इरीगेशन करना बहुत ज़रूरी है आजकल, क्योंकि पीछे बहुत ज़्यादा ड्राउट था, फिर बहुत ज़्यादा बारिश आई और आपके फ्रूट में जो होते हैं वो स्पॉट भी पड़े होंगे, कहीं कि फ्रूट में क्या हुआ है, स्पॉट पड़े, वो डेफिशिएंसी होगी, ठीक है। हम तो क्या है नॉर्मली दही रहते हैं, तो ये थोड़ा मॉइस्चर भी हमने मेंटेन किया, तो इसलिए फ्रूट में हमें वो दिक्कत नहीं आई। कहीं क्या हो गया कि डेफिशिएंसी हो, आपका कैल्शियम बोरोन हो गया, ठीक है, उससे आपके स्पॉट बढ़ गए, और अब उसका खतरा क्या है कि ज़्यादा ड्राउट होगा तो वो क्या कर देगा, ब्रेक कर देगा, ठीक है, उसमें आपको दरारें सीट पड़ जाएगी। तो इसलिए उससे बचने के लिए थोड़ा थोड़ा आपने क्या है, आपने अपनी इरीगेशन भी रखना है, बाकी अपने कैल्शियम कंटिन्यू एज पर शेड्यूल आप कंटिन्यू उसको करते रहिए, थोड़ा थोड़ा करके आपने देते रहना है, ठीक है जी। कैल्शियम दे देना है, बाकी आपने एक्स्ट्रा जो बूस्टर है, टॉनिक वगैरह है, वो कुछ नहीं होते, ठीक है, वो कंपनी चलानी हो, कंपनी वालों का काम है वो आपका। हाँ, थोड़ा सा आपका रहता है कि अगर स्ट्रेस कंडीशन है प्लांट को, ठीक है, कोई बिल्कुल स्ट्रेस कंडीशन में प्लांट आपका गया हुआ है, तो उस कंडीशन में शायद थोड़े बहुत हेल्पफुल हो सकते हैं, बट अदरवाइज मुझे नहीं लगता कि इतने ज़्यादा वो आपके लिए बेनिफिशियरी आपके पास होंगे, ठीक है। वो वेस्टेज ऑफ मनी ही होता है और कुछ नहीं होता है। फिलहाल तो आपने ये करना है, बाकी जहाँ धूपें पहुँच रही है वहाँ अच्छी बात है, जहाँ नहीं पहुँच रही है वहाँ पहुँचाना आपका काम है, ठीक है। वो नहीं आप बोल सकते हो कि हमने यहाँ धूप नहीं पहुँची और यहाँ हमारा साइज इंप्रूव नहीं हुआ, तो वो पहुँचाना आपका काम है, ठीक है। तो ये चीज़ें होगी, बाकी हम फिर अपडेट करेंगे। बाकी आपने बस माइंड में इतना सेट रखना है कि हमने कैल्शियम वीकली दे देना है, ठीक है, और दूसरा जो आप एनपीके आप करोगे, सुपर पोटाश करोगे, तो उसको आपने थोड़ा सा गैप आपने 12 से 15 दिन तक का गैप आपने रख सकते हो उसमें, ठीक है। बाकी आपने स्पिल डोज में करना है। अच्छा, एक चीज़ और थी, एक क्वेश्चन और रिपीट करता हूँ कि एक भाई साहब थे वो कह रहे थे कि मेरे पास बचा हुआ है। देखिए, अभी क्या होता है कि सल्फेट और पोटाश होता है, ठीक है, इसको वैसे भी बोलते हैं, आप सवाल में कर रहे हो या ऊपर कर रहे हो, लेकिन जो MOP होता है आप उसको उनका पास किया था, उन्होंने क्या किया है कि उन्होंने पीछे फर्टिगेशन करी होगी सॉइल में, ठीक है, उसके बाद क्या कर लिया कि वो जो पोटाश थी, ठीक है, उन्होंने अपने पास क्या कर दी, स्टोर कर ली, ठीक है। तो आजकल वो क्या कर रही है, उन्होंने उसकी एक स्प्रे कर भी चुके हैं, तो मैं आपको यहाँ क्लियर कर लेता हूँ
ठीक है, वो वाली स्प्रे ऊपर नहीं होती है। अगर आप वो वाली सॉइल वाली जो आपने एप्लीकेशन करी है, अगर आप आजकल उसको आप ऊपर आप डाल रहे हो, तो आपने एक माइंड में आपने सेट रखना है कि आपकी स्किन फ्रूट की स्किन तक बर्न हो सकती है उससे, तो वो चीज़ मत करना। ठीक है, सॉल्यूबल फॉर्म में आपको आती है पोटाश, ठीक है, स्प्रे के लिए आप वही यूज़ करिए, ठीक है, वही स्प्रे के लिए बनी भी है, तो आपने कुछ वो चीज़ें मत करना कि जिससे आपको क्या हो जाए, उल्टा नुकसान हो जाए, तो वो चीज़ आपने थोड़ी सी माइंड में सेट रखनी है। ठीक है, जो बनी है उसको करिए, ठीक है, ऐसे नहीं आप फालतू का वो बचते नहीं करना कि ऐसा ना हो कि बाद में आपको नुकसान भी हो सकता है, क्योंकि इन चीज़ों से क्या होता है कि नुकसान होने के भी चांसेस रहते हैं। अब देख लो कि जहाँ धूप है अच्छी जा रही है ना, वहाँ बहुत अच्छा आपका साइज़ कलर सब कुछ आपका बन जाता है। बाकी थिनिंग देखिए, थिनिंग तो सभी रही होती है, हमारी कौन सी प्रॉपर थिनिंग हुई, इस बार कोई प्रॉपर थिनिंग नहीं हुई है। ठीक है, उसका रीज़न वही है कि कुछ पीछे आपको कंडीशन ऐसी थी कि नहीं कर पाए, पर चलिए अब ये कि अगर प्रॉपर हमने न्यूट्रिशन दिया हुआ है तो हमें थिनिंग, वैसे भी ऑफ ईयर रहा तो ऑफ ईयर में अगर, वैसे भी हमारा पहले से थिनिंग, हम ऑफ ईयर में बहुत कम करते हैं, तो ऑफ ईयर में अगर थिनिंग हमारी कम है तो उसमें हमने न्यूट्रिशन पहुंचा के हमने कम से कम फ्रूट को हमने न्यूट्रिशन तो देना ही है। ठीक है, चलिए थैंक यू, फिर हम नेक्स्ट अपडेट करेंगे, एक बार इसका पूरा वॉकआउट भी करेंगे पूरे ऑर्चर का, तो वो भी हम आपको अपडेट करते रहेंगे, दिखाएंगे आपको, ठीक है, अपनी प्रैक्टिसेस और अपने, अभी तो साइज में बहुत टाइम है, ठीक है, इस साइड पे तो अभी बहुत टाइम है, बाकी लोअर एलिवेशन में भी मुझे लग रहा है कि 15 जून के बाद कभी भी आपका, सॉरी 15 जुलाई के बाद कभी भी स्टार्ट हो जाएगा, और पीएस तो बल्कि मार्केट माना स्टार्ट हो चुकी है, तो चलिए लेट्स सी क्या बनता है फ्यूचर में, देखते हैं। थैंक यू सो मच।